हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या प्रूव करेंगे कि किस तरह से एलपी स्पेस जो है वो मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। ओके, एलपी स्पेस क्या होता है ये चीज़ हमने ऑलरेडी पिछले वाले कुछ वीडियोस लेक्चर में देखा है कि एलपी स्पेस के अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं, और आज के वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं थियरम्स में से कुछ यूज़ करके ये दिखाएंगे कि एलपी स्पेस किस तरह से मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फंक्शन है वो ऑलरेडी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है। अगर मैं इसको मेट्रिक प्रूव कर दूँ तो एल पी जो है इस मेट्रिक के साथ मेट्रिक स्पेस बना देगा। ओके, सो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। फॉर P greater than equal to 1, less than infinity, the set of all real sequences x is equals to xn with summation n goes from 1 to infinity xn to the power p is less than infinity। ये जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है ये कुछ और नहीं, ये LP स्पेस की डेफिनेशन है। ओके, जो LP स्पेस होता है वो जहाँ पे P greater than 1 होता है, यहाँ पे equal to भी लिया है क्योंकि ये जो मैट्रिक्स स्पेस है ये P is equal to 1 के लिए भी मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। ओके, सो अगर मैं कोई एलिमेंट एल पी से लेती हूँ, ओके, ये चीज़ हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। सो अगर मैं कोई एक्स एलिमेंट एल पी से लेती हूँ तो वो जो एक्स होगा वो होगा क्या, वो एक तरह का सीक्वेंस होगा, वो हो सकता है रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, तो यहाँ पे हम रियल ले रहे हैं। सो एक्स क्या होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस तरह का क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा सच दैट, किस तरह का सीक्वेंस होता है वो, कि समेशन n goes from 1 to infinity mod of xn to the power p is less than infinity। ओके, यानी कि जो pth टर्म लोगे आप इन सारे एलिमेंट का, x1 x2 x3 का, और उसका समेशन लोगे तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो फाइनाइट आता है। तो इस तरह के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो एल पी स्पेस के अंदर जाते हैं। ओके, अब देखिए जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है, अब देखिए ये एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट हैं, ये एल पी के हैं, यानी कि एक तरह के सीक्वेंस हैं जिन पे ये वाली कंडीशन लागू होती है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस तरह से डिफाइन किया गया है, समेशन एन गोज टू वन इन्फिनिटी एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी। ओके, सो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है। तो ऑब्वियसली हमें इसको क्या दिखाना होगा, मैट्रिक। मैट्रिक के लिए चार कंडीशन दिखानी होगी, लेकिन सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम जो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये किस तरह का है, एक तरह का ये इन्फाइनाइट सीरीज़ है, राइट। मतलब हम एक्स एन माइनस वाई एन टू द पावर पी, इसका हम सम ले रहे हैं कहाँ से, वन से लेकर इन्फिनिटी से। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म करनी होगी कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ओके, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट सम है तो हो सकता है ये कन्वर्जेंट हो और हो सकता है ये डाइवर्जेंट हो। डाइवर्जेंट होगा तो हम डिस्टेंस को इन्फिनिटी नहीं ले सकते, राइट। तो हमें पहले ये चीज़ देखना होगा कि क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, यानी कि ये चीज़ फाइनाइट है या नहीं है, ये चीज़ हमें पहले देखना होगा। ओके, सो पहले वो चीज़ देख लेते हैं कि क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ वॉट, समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन का जो मॉड है ये क्या होता है, दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन का मॉड प्लस वाई एन का मॉड। ओके, सो अगर आप दोनों तरफ आप समेशन लेते हो, राइट, तो इसका समेशन भी इसके समेशन से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, फिर आप उसका पावर, अगर इनका पावर पी लेते हो फिर समेशन लेते हो तो भी ये कंडीशन ट्रू है, फिर इनका पावर वन ओवर पी लीजिए, इसका भी वन ओवर पी लीजिए, तो ये कंडीशन ट्रू है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो कि क्या है, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन टू द पावर पी होल टू द पावर पी, ये चीज़ क्या होगी, दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन प्लस मॉड ऑफ वाई एन, और इन सब का क्या चल रहा है, होल टू द पावर पी और कंप्लीट होल टू द पावर वन ओवर पी। ओके, सो ये चीज़ क्या है, ट्रू है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा मिनकॉस की इनइक्वालिटी।
सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिन कॉस की इनइक्वालिटी। तो मिन कॉस की इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट क्या है कि अगर मैं एक्स वाई दो एलिमेंट एलपी स्पेस से लेती हूँ तो समेशन आई गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी इज लेस दैन इक्वल्स टू वॉट एक्स आई टू द पावर पी इसका समेशन टू द पावर वन ओवर पी प्लस समेशन के इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वाई आई टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी। ओके सो ये क्या है मिन कॉस की इनक्वालिटी। तो आप जो है इसको यहाँ पे यूज़ करके इस चीज़ को क्या लिख सकते हो समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी प्लस समेशन एन गोज़ फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वाई एन का मॉड टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी। कहाँ से मिन कॉस की इनक्वालिटी से। ओके अब देखिए ये जो एक्स एन है ये कहाँ का है ये एल पी स्पेस का है। इसका मतलब क्या समेशन एन गोज़ फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एक्स एन टू द पावर पी ये क्या है लेस दैन इन्फिनिटी है यानी कि ये पार्ट क्या है लेस दैन इन्फिनिटी है यानी कि फाइनाइट है। और सिमिलरली जो वाई एन है जो y है वो भी कहाँ का एलिमेंट है एल पी का है तो ये भी क्या होगा लेस देन इन्फिनिटी यानी कि दोनों क्या हैं फाइनाइट टर्म है। ओके सो हमारा जो ये टर्म है ये क्या है लेस देन इन्फिनिटी है। ओके सो हम जो ये जो मेट्रिक हम जो ये डिस्टेंस फंक्शन देख रहे हैं ये वेल डिफाइंड है। ओके ये फाइनाइट है तो हम अब जो है इसकी जो मेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है इनको चेक कर सकते हैं। सो पहली कौन सी प्रॉपर्टी होती है नॉन निगेटिव वाली प्रॉपर्टी। ओके सो नॉन निगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ नॉन निगेटिव। ओके जो डिस्टेंस होता है वो नॉन निगेटिव होता है तो चेक कीजिए क्या ये सही है। देखिए एक्स एन माइनस वाई एन इसका क्या है मॉड है। ओके सो एक्स एन माइनस वाई एन ये हमेशा क्या होगा ये हमेशा नॉन निगेटिव होगा। अगर आप इसका पावर लेते हैं वो भी नॉन निगेटिव होता है। अगर आप नॉन निगेटिव टर्म्स का एडिशन लेते हो यानी कि उनका सम लेते हो वो भी क्या होगा नॉन निगेटिव होगा और उनका पावर लोगे तो वो भी क्या होगा नॉन निगेटिव होगा यानी कि यस कि जो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये नॉन निगेटिव है। सेकेंड हम क्या कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई यानी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो तभी होगा जब वो दोनों पॉइंट सेम होंगे। सो ये समेशन है राइट यानी कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि समेशन आई गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन टू द पावर पी होल टू द पावर पी ये ज़ीरो कब होगा ये ज़ीरो कब होगा जब इसकी हर इंडिविजुअल टर्म क्या होगी ज़ीरो होगी यानी कि एक्स एन माइनस वाई एन टू द पावर पी इसका मॉड पी ये क्या होगा ज़ीरो यानी कि एक्स एन की एक्स एन माइनस वाई एन ये इसका मॉड क्या होगा ज़ीरो होगा। इसका मॉड तभी ज़ीरो होगा जब एक्स एन माइनस वाई एन क्या होगा ज़ीरो होगा यानी कि एक्स एन किसके बराबर है वाई एन के बराबर है। एक्स एन इज़ इक्वल टू वाई एन। ओके यानी कि एक्स वन किसके बराबर है वाई वन के बराबर एक्स टू किसके बराबर है वाई टू के बराबर एंड सो ऑन। ओके और ये सारे हैं क्या ये एक्स है और ये क्या है वाई है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स किसके बराबर होगा वाई के बराबर होगा राइट तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ज़ीरो तभी होगा जब वो दो सीक्वेंस कैसे होंगे सेम होंगे यानी कि वो दो एलिमेंट क्या होंगे सेम होंगे। थर्ड हमें क्या देखना होता है थर्ड हमें देखना होता है सिमेट्री। सिमेट्री यानी क्या डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। ओके अब देखिए मॉड है तो आप एक्स एन माइनस वाई वन वाई एन लीजिए या फिर वाई एन माइनस एक्स एन लीजिए दोनों सेम बात है यानी कि समेशन आई गोज चलो एन गोज़ फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी ये इसी के बराबर है किसके बराबर एन गोज़ फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन टू द पावर पी होल्ड टू द पावर वन ओ पी यानी कि सिमेट्री को भी होल्ड करता है इस मॉड की वजह से। ओके यहाँ पे आप एन ले लीजिए ओके
सो ये क्या है, सिमेट्री को भी होल्ड करता है। चौथा क्या है, चौथा इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ओके, अब इसको प्रूव करना आसान है, इसीलिए आसान है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, मिनकॉस की इनइक्वालिटी। तो देखिए, समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी को किस तरह से लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ, वही चीज़ करेंगे जो हम पिछले वाले कुछ मैट्रिक्स स्पेस में करते थे, एक ट्रिक लगाते थे, क्या करते थे कि आप जो है जेड एन को सब्ट्रैक्ट और जेड एन को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए माइनस वाई एन, और इसका पावर क्या होगा, पी होगा होल टू द पावर वन ओवर पी। बात ये कि जेड एन क्या है, जेड एन कहाँ का एलिमेंट लेंगे आप, जेड एन जो है एक जेड का एलिमेंट लीजिए। ओके, जो कहाँ का एलिमेंट होगा, एलपी स्पेस का एलिमेंट होगा। ओके, सो मैंने क्या किया, एक एलपी स्पेस का एलिमेंट लिया और उसी को क्या किया, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया। तो देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर कि दिस टर्म इज़ लेस देन इक्वल्स टू, इनका मॉड सेपरेट किया था, तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये वाले टर्म क्या हो जाएगी, आप इनका मॉड सेपरेट कीजिए उससे लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन का मॉड प्लस जेड एन माइनस वाई एन का मॉड और होल टू द पावर पी और होल टू द पावर वन ओवर पी। ओके, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉजिटिव टर्म है, ये दूसरा पॉजिटिव टर्म है, इसका पावर पी है, होल टू द पावर वन ओवर पी है। तो आप फिर से यहाँ पे क्या लगा सकते हो, मिनकॉस की इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ओके, तो मिनकॉस की इनइक्वालिटी के मुताबिक आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस जेड मॉड टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी जेड एन माइनस वाई एन होल टू द पावर पी होल टू द पावर वन ओवर पी। और ये क्या चीज़ है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई, और ये किसके बराबर चल रहा था, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स एंड वाई। ओके, सो हमने यहाँ से क्या दिखा दिया कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई। ओके, सो इस तरह से आप दिखा सकते हो कि एलपी स्पेस क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है, क्योंकि हमने इस डिस्टेंस चारों के चारों प्रॉपर्टी को क्या किया, सेटिस्फाई करवा के ये दिखा दिया कि वो क्या है, मैट्रिक है। तो इस प्रॉब्लम को करना इजी इसीलिए था क्योंकि हमें क्या पता थी, मिनकॉस की इनइक्वालिटी पता थी। ओके, सो इस तरह से एलपी स्पेस क्या बनाता है, मैट्रिक्स स्पेस बनाता है।